करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट है कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज हमेशा किस पे पड़ा रहा, एट रेस्ट। फिर हमने देखा कि अगर दो हम बॉडीज़ को लेके आए, हमारा आखिरी टॉपिक था कैपेसिटर का, हम दो बॉडीज़ लेके आए जिसके ऊपर अनइक्वल चार्ज है, उन्हें ज्वाइन कर दें तो चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक, जब तक पोटेंशियल की वैल्यू दोनों में क्या नहीं हो जाती, सेम। ऐसा ही किया, जब वो चार्ज या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी, तो इसलिए अब चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में मान लो एक वायर में से डेल्टा क्यू चार्ज पास हो गया डेल्टा टी टाइम में, तो टोटल चेंज ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू डेल्टा टी टाइम में, इसको बोलते हैं एवरेज करंट। लेकिन अगर हम डेल्टा टी लिमिट को जीरो कर दें, बहुत छोटा कर दें, अप्रोचेज टू जीरो का मतलब डेल्टा टी क्या बन जाएगा डी टी और डेल्टा क्यू क्या बन जाएगा डी क्यू, तो ये करंट इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बन गया डी क्यू बाय डी टी। तो इसमें डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखा जाए तो एवरेज करंट है और डी क्यू बाय डी टी लिखा जाए तो इंस्टेंटेनियस करंट है। करंट कई किस्म के होते हैं, वैसे मैं बता दूं जिसको स्टडी किया जाता है। पहले टाइप का करंट है वायर का करंट, जो हम नॉर्मल स्टडी करते हैं, जो कि बैटरी से जनरेट किया गया करंट है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। डीसी जो बैटरी से करंट जनरेट हुआ उसका नाम है डीसी। एक करंट है जो डैम से बिजली बन के आ रही है हमारे घरों तक, ये पंखे और लाइट जल रहे हैं, ये करंट का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी। हम ऑल्टरनेटिंग करंट स्टडी नहीं कर रहे, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, डीसी। हम बैटरी के करंट को स्टडी कर रहे हैं। तीसरे टाइप का करंट है, बादल अगर फट जाए या कोलिजन हो जाए तो वहां से बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, वो भी एक करंट है। लेकिन वो करंट का अमाउंट इतना बड़ा है और इतने छोटे समय के लिए पैदा होता है, उसको हम स्टडी नहीं करते, मतलब इस कोर्स में स्टडी नहीं करेंगे। चौथे टाइप का करंट है, हमारे नर्व्स के अंदर, बॉडी के अंदर भी करंट है, जो नर्वस सिस्टम है ये भी जनरेट करता है, हमारी बॉडी के अंदर भी बाय डिफॉल्ट करंट है, हम उसको भी स्टडी नहीं करते। दुनिया के सारे करंट को स्टडी नहीं करने वाले, ये बताने जा रहा हूँ, बैटरी का एक नॉर्मल करंट स्टडी करेंगे। तो इसने यही स्टार्ट किया कि लाइटनिंग विच इज फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू क्लाउड्स या क्लाउड टू अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजियंट करंट, तो इसको हम स्टडी नहीं कर रहे। ट्रांजियंट करंट वो करंट है जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैदा होता है, तो बिजली कड़की, शॉर्ट ड्यूरेशन, बिजली खत्म, इसको हम स्टडी नहीं कर रहे, इसको ट्रांजियंट करंट बोलते हैं, हम इसको नहीं पढ़ रहे। करंट के यूनिट एम्पियर है, ये हमें पता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, डोमेस्टिक अप्लायंस में करंट 1, 2, 3 एम्पियर के आसपास चलते हैं हमारे घरों में, इसको हम स्टडी करेंगे। करंट लाइटनिंग का बहुत बड़ा है, देखो 1, 2, 3 एम्पियर से तो हाथ लगाओगे तो बंदा बचेगा नहीं, और सोचो लाइटनिंग का करंट तो 10^4 एम्पियर है, वो कैसे फिर कैसे बचेगा, नहीं बचेगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। हमारे जो नर्व्स के अंदर करंट है वो बहुत छोटा है, 1 μA है, इसको भी स्टडी नहीं करेंगे, हम नॉर्मल करंट को स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज होगा। कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, अब देखो जब ये करंट स्टडी किया होगा, जिसने भी स्टडी किया, मान लो किसी अंग्रेज ने स्टडी किया, तो भाई उसने सोचा होगा करंट दिख तो रहा नहीं, लोगों को बताना तो है कि इसमें करंट नाम की कोई चीज़ है, अब वो क्या बताए। पहला तरीका उसके माइंड में आया होगा, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो उसने ऐसा बोला होगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के साथ बना देते हैं। और फिर उसके दिमाग में आया होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो वायर में फ्लो ही नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो अगर पॉजिटिव राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा होगा, लेफ्ट आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट अगर हम इमेजिन करें करंट है, हम जो स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट स्टडी करते हैं, तो हमारी जो फिजिक्स चलेगी उसके अंदर रेफरेंस पॉजिटिव चार्ज नहीं लिया जाता, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है, तो करंट लेफ्ट आ रहा है, तो हम किस करंट को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हमारी जो कन्वेंशनल करंट है, जो क्योंकि सारा काम पॉजिटिव चार्ज से हुआ था, कन्वेंशन ये कहती है कि पॉजिटिव के साथ जाता है, पर हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ काम करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट, हमारा जो करंट होगा बैटरी का,
वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक, इसके अंदर जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल आ गया जिसमें करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, आईटी ग्राफ, तो करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में 10 सेकंड का ग्राफ गिवन है। आपको ये बताना है कि अगर इतना करंट एक वायर में चला जाए तो बताएं कितना चार्ज वायर में जा चुका है, तो कितना चार्ज जा चुका है। तो आप क्या करेंगे, आप एरिया निकाल देना, एरिया अंडर करंट एंड टाइम ग्राफ, एरिया एरिया क्या होगा, करंट इंटू टाइम, और करंट इंटू टाइम क्या होता है, चार्ज। तो एरिया अंडर आईटी ग्राफ आपको क्या देगा, अमाउंट ऑफ करंट चार्ज देगा। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल निकाल लेना तो आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एक रिजल्ट आ गया, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आपको अमाउंट ऑफ चार्ज देगा।